अपना ट्रेन का टिकट बुक करते हो तो आपके सामने उसमें दो तीन एरर्स आते हैं, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एक तो एरर होता है एक्शन नॉट अलाउड एट दिस टाइम, और एक कई बार क्या होता है वो सब कुछ डबल डबल हो जाता है, तो उसको आपको कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अपने लैपटॉप के माध्यम से यहाँ पे देने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको अपना ट्रेन का टिकट यहाँ पे जो है बुक करना है ताकि आपके सामने कोई समस्या यहाँ पे ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरर क्या शो होता है पहले तो हम आपको वो चलिए दिखा देते हैं कि टिकट बुक करने पे क्या एरर शो हो रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर ली, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, डेट भी चूज कर ली है और इसके बाद सर्च पे सिंपली क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको जिस भी ट्रेन में ट्रेवल करना है आप वो ट्रेन सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे सीट अवेलेबल हो, और उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में आपको बुक नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में हम यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ से एग्री करेंगे और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे ये आपसे आपकी CSE ID पूछेगा और आपका पासवर्ड यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अपनी CSE ID फिल कर दी है और अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है। इसके बाद में ये कैप्चा नीचे यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद में सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, वो OTP आपको एंटर करके सबमिट कर देना है। तो इसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से आ जाएगा, तो आपको फिर से टिकट सेलेक्ट कर लेनी है और बुक नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है दोबारा से। तो जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब कुछ यहाँ पे डबल डबल होके आ चुका है, और यहाँ पे नीचे भी देखोगे तो आपको प्रेफरेंस भी डबल हो गया है और यहाँ पे नीचे भी ट्रेवल इंश्योरेंस भी डबल हो चुका है। तो ये डबल हो जाने की वजह से जब आप यहाँ पे हम टिकट बुक करेंगे तो एक एरर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बुक करके यहाँ पे दिखाते हैं। हमने यहाँ पे नाम फिल कर दिया है, एज डाल दी है और यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे, और इसके बाद में यहाँ से प्रेफरेंस सेलेक्ट कर देंगे, लोअर अपर मिडिल जो भी आप चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर अपना एड्रेस आपको फिल कर देना है, जिस जिसकी भी टिकट आप बुक कर रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिए, और यहाँ से आप अपना पोस्ट ऑफिस चूज कर दीजिए, जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है आधार कार्ड में देखकर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद में आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पे एक्सेप्ट कर देना है दोनों पे, और इसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरर आ चुका है, नॉट ऑथराइज फॉर दिस एक्शन अनडिफाइंड। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एरर यहाँ पे आ जाता है, आप जितनी बार कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उतनी ही बार ये एरर यहाँ पे आता रहेगा, तो इस वजह से आप ये टिकट बुक नहीं कर पाते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ डबल डबल होके आ जाता है और आपके सामने ये एरर भी आ जाता है और आप टिकट बुक नहीं कर पाते हो। तो इस एरर को कैसे सॉल्व करना है तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस एरर का सोल्यूशन क्या है, आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको यहाँ से एक बार लॉग आउट कर देते हैं और फिर से हम इसे लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, अपना IRCTC ID डाल देते हैं, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर कैप्चर हम रिफ्रेश करेंगे ताकि वो जो नंबर्स वाले कैप्चर हैं वो आ जाए। तो वो कैप्चर यहाँ पे आ चुके हैं, और इसके बाद में हम ये वाले कैप्चर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमने ये वाले कैप्चर यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, और इसके बाद में सिंपली हम यहाँ पे साइनिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे साइनिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, तो वो OTP हमको अपने नंबर पर देख कर और यहाँ पर एंटर करके सिंपली सबमिट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो OTP हमने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं।
और इसके बाद में हम इसे यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पे फिर से हम अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डेस्टिनेशन अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डेट चूज कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली सर्च नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से हमारे सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे और यहाँ से हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने यहाँ पे यस पे क्लिक किया है तो वो एरर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है और ये हमारा यहाँ पे सिंगल हो चुका है। पहले ये डबल डबल आता था और ये इसकी वजह से हम यहाँ पे टिकट बुक नहीं कर पाते थे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और ये कैसे हमने सॉल्व की है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब अगर आप इस टिकट को बुक करोगे तो ये टिकट बुक हो जाएगी क्योंकि सब कुछ यहाँ पे सिंगल हो चुका है। पहले डबल डबल था तो ये टिकट बुक नहीं हो पाती थी और वो एरर हमारे सामने आ जाता था। तो जैसे ही यहाँ पे सिंगल अगर हो जाएगा तो आप इस टिकट को बुक कर सकते हैं, आपके सामने वो एरर नहीं आएगा। तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर देना है। आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है। आप अगर उससे बेहतर कोई इंटरनेट है तो वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस इंटरनेट कनेक्शन को ही चेंज कर दीजिए। आप किसी दूसरे हॉटस्पॉट को ऑन करके आप उससे ये टिकट बुक करिए, आप आसानी से टिकट बुक कर पाएंगे। अगर फिर भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।